हम कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं तो तत्वदर्शी राम जी बाबा को पूर्ण स्मरण करते हुए और विजयादशमी पर्व की सभी को शुभकामनाएं देते हुए हम सभी के जो प्रेरणा स्रोत तत्वदर्शी सदगुरु स्वरूप जो डॉक्टर चांदेकर सर जी हैं उनको विजयादशमी पर्व के दिन ही राम जी बाबा तत्वदर्शी राम जी बाबा जी से यह विश्वरूप दिव्य दृष्टि का अनुभव प्राप्त हुआ था। तो ये हमारे लिए सुखद सौभाग्य है कि उसी के अवसर पर आज का यह हमारा सत्संग हो रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण पद है कि सदा इस निर्मल भक्ति कहो जो अनन्य भक्ति के ऊपर आज हम स्वानुभव डॉक्टर वाणी जी से इनका सुनेंगे। तो उन्हीं से आग्रह है कि हमें अपना जो स्वानुभव देने की कृपा करें। आदरणीय वाणी जी से यही प्रेम रहे स्थाई कृपा दृष्टि वही मिले अखंड मंडलाकार व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सिद्धाचार्य डॉक्टर चांदेकर सर और मातृतुल्य मीराताई चांदेकर जी का चरण वंदन। भारतवर्ष से जुड़े हुए सभी आत्मस्वरूप विभूतियों को नमन। आज का सत्संग प्रारंभ करते हैं। आज मुझे भगवान के पद क्रमांक 20 सदा असा निर्मल भक्ति कहो इस पर मेरा मनन आपके सामने रखने का आदेश हुआ है। मैं प्रयत्न करता हूँ। शीर्षक में ही भगवान कहते हैं सदा सर्वदा निर्मल भक्ति यानी अनन्य भक्ति का ही आचरण करो। अनन्य भक्ति यह सर्वश्रेष्ठ परमात्मा भक्ति है। भगवान मायानंद जी ने वैदिक भागवत ग्रंथ में यह स्पष्ट किया है कि नवविधा भक्ति यह पराभक्ति यानी अनन्य भक्ति के ही अंतर्गत क्रम विकास की श्रेणिया है। नवविधा भक्ति का उल्लेख श्रीमद् भागवत में इस प्रकार आता है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्जनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। इन श्रेणियों का नवविधा भक्ति का विचार आचार्य डॉक्टर चांदेकर जी का लेख सदा असा निर्मल भक्ति को इसमें विस्तार से किया है। दिव्य दृष्टि का उपदेश देने वाले तत्वदर्शी सदगुरु इनमें सद्गुरुत्व भाव स्थिर करना आवश्यक होता है। सद्गुरु निष्ठा से दिव्य चक्षु के निधिध्यास साक्षात्कार का निश्चयात्मक विचार करना पड़ता है। इसी से अंतकरण में अनन्य भक्ति का उद्भव होकर उस अनन्य भक्ति से परमात्मा दर्शनोत्तर प्राप्ति स्थिति अचल स्थिति प्राप्त होगी। यह दिव्य चक्षु विज्ञान की छठवीं भूमिका है। इसे विभूति तपोलोक या पदार्थ भाविनी कहा है। इस भूमिका में अंतकरण शुद्ध होकर अनन्य भक्ति का बीज बढ़ने लगता है। पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे। सर्वांगायोग के 8वें अध्याय का ये दूसरा श्लोक है। जप तप साधन गुण कृत लहरे निज लीला न कहो ये पद की जो पहली लाइन है इसमें भगवान जताते हैं जप तप व्रत यज्ञ दान तीर्थ यात्रा इत्यादि यह सब गुणों का कार्य है। इसे परमात्मा की लीला मत समझो। वैसे ही प्रकृति लक्षेशो पुरुष कहावे इससे ऐसा समझ में आता है मैं प्रकृति का दृष्टा हूँ मैं अक्षर पुरुष ब्रह्म हूँ यह अभिमान भी नहीं होना चाहिए क्योंकि क्षराक्षर ये दोनों भाव पुरुषोत्तम में लय होते हैं और क्षराक्षर पुरुषोत्तम ये तीनों भाव परमात्मा वस्तु ने धारण किए हैं। भगवान मायानंद कहते हैं आस्तिक के पद में स्थित होने के बाद होने से सत चित सन यानी पुरुषोत्तम अक्षर और अक्षर त्रिकुट रहित
अवस्था में यानी पुरुषोत्तम पद में स्थित होकर देखो तो सर्व दृश्य मात्र में प्रियत्व ही दिखेगा और यह सब मेरा ही स्वरूप है, यह ध्यान में आकर अत्यधिक आनंद और शांति प्राप्त होगी। इसलिए सदा सर्वकाल निर्मल यानी पराभक्ति का यानी विश्व सेवा या स्वकर्माचरण का आचरण करो, ऐसा भगवान मायानंद चैतन्य आश्वासन देते हैं, बताते हैं, जताते हैं। यहाँ पर मेरा मंत्र समाप्त होता है। अब हम सर से निवेदन करते हैं कि इस पद पे हमें और सूक्ष्म हमें अनुभव प्रदान करेंगे। आशीर्वचन शुरू। तो माइक म्यूट है सर आपके। श्री गुरु के पदों को संतोष प्रेम से यही प्रेम रहे स्थाई दृष्टि वही मिले उपस्थित सर्वात्म रूप सज्जन। अभी डॉक्टर मनोहर वाणी जी ने मनन पूर्वक अपना स्वानुभव रखा, तो एक अर्थ थोड़े में संक्षिप्त में उन्होंने अच्छी तरह समझाए। सदा अस निर्मल भक्ति गहो, ये जो क्रियापद यहाँ पे भगवान ने दिया है, निर्मल भक्ति करो नहीं कहा उन्हें, गहो भगवान के साहित्य में करो जानो और गहो ये तीनों भी क्रियापद आते हैं। करो में जीव भाव करता है, सूक्ष्म अहंकार जब तक लय नहीं होता त्रिपुटी भाव से सदगुरु ने दर्शाई हुई युक्ति से, ये जो वस्तु रूप जो है वहां से आया है, ममैव अंशो जीवलोके, तो ये जीव यही सूक्ष्म अहंकार है, उसका लय वस्तु में होने के लिए ही सर्वांग योग में भगवान ने सातवें अध्याय तक हो सकते प्रत्यक्ष दर्शन ही कराया कि भाई ये वस्तु दर्शन जो है वो केवल अलग होके देखना नहीं है, जीव दृष्टा नहीं है इसमें दर्शन, दर्शन में अनुभव मूलक पहचान सर्वांग योग में रखी है। शर अक्षर और पुरुषोत्तम यह तीन भाव की कल्पना सदगुरु ने हमारे जैसे मंद बुद्धि को समझाने के लिए की है। गहो का मतलब है अंतकरण में धारण करो। सदगुरु ने सातवें अध्याय तक जो वस्तु दर्शन का अनुभव दिया है वह अंतकरण में धारण करो। वह अनुभव अंतकरण में धारण करने पर क्या हो जाएगा, अंतकरण निर्मल हो जाएगा। तो निर्मल शब्द बहुत महत्व का है। निर्मल में भी त्रिपुटी आती है गुणों की, क्योंकि मल जो है, मल कहते ही तम कहते ही रज और सत्व आते ही उसमें, तो इसलिए मल जो है वह तम का स्वरूप है, विक्षेप रज का स्वरूप है और आवरण सत्व गुण का स्वरूप। तो जब तीनों को लांग कर ये जीव अपने स्वरूप रूप और नाम रहस्य को जानकर उसमें स्थित नहीं होगा तब तक अनन्यता नहीं हो। तो अनन्यता मिली उसको और मिली के बाद पश्चात बीज भक्ति का
हम क्या कह देते हैं उपदेश में, उपदेश में कहते कि बस यही परमात्मा है और बस अपना वर्ण पहचान के कर्म करो। ये भाषा आप ही सोचिए, ये विज्ञान की भाषा है इसे, अपना वर्ण पहचान के कर्म करो, करने की भावना ही नहीं है ना वहां। अकर्म रूप से देखे विश्व में वो सदैव ही, मराठी में भी वो सादे शब्दों में भगवान ने रखा है, हित पराभक्ति आये श्रेष्ठ मुक्ति इन्हें सर्ववृत्ति मावरती, यानी मन बुद्धि आम ये अगर मल रहित हो गए तो चित्त शुद्ध होगा, वही अंत करा। इसलिए उन्होंने ये भी समझाया है कि भाई ये वस्तु दर्शन के लिए, वस्तु निश्चय के लिए बहुत बड़े विद्वत्ता की जरूरत नहीं है, श्रुति स्मृति शास्त्र के पांडित्य की भी आवश्यकता नहीं, निर्मल अंतकरण की आवश्यकता। जब भगवान रामचंद्र जी सेतुनंद के वक्त चर्चा कर रहे थे अपने भक्तों से, तो हनुमान भी एक भक्त थे उसके, तो हनुमान जी ने ये प्रश्न पूछा कि हे भगवान हमें अनन्य भक्ति का रहस्य समझाइए। क्योंकि उस वक्त हनुमान जी बहुत बड़े शक्तिशाली थे और ज्ञानी नाम अग्रगण्यम ऐसा उनका वर्णन किया जाता, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम, ये उनके विशेषण है। तो ये हनुमान जी जब एक खारी लगाए मानता था हिंदी में गिलहरी, हम गिलहरी एक कण कण वायु का वहां लाके डाल रहे थे, रेतिका कण कण अपने शक्ति के अनुसार वह भी कार्य कर रहे थे। इसे देखकर हनुमान जी सहित कुछ भक्त हंसने लगे, देखिए इसके एक एक कण से क्या होने वाला है। तो भगवान ने स्मित हास्य किया और उनको समझाया, हनुमान जी अब आप समझो अंतकरण की शुद्धता जो है वो बहुत आवश्यक है, प्राणियों में भी दिखती है। जैसे प्रेम करते हैं आप, जैसे घोड़ा है गाय है सब, कितना कुत्ता है कितना प्रेम करते हैं जो उनसे प्रेम करते हैं, उसी तरह उद्भिजों में भी ये दिखता है, जो उद्भिजों की संभालता है पोषण निग्रह हमेशा रखता है, तो उससे भी विश्व भी प्रेम करते हैं। तो भगवान रामचंद्र जी ने एक ही श्लोक पे समझाया, वाल्मीकि रामायण का श्लोक है, कि हे हनुमान जी अब ये समझो त्रिपुटी और त्रिपुटी रहित हो जाओ। कैसे त्रिपुटी है, देह दृष्टा तु दासो हम, विश्वरूप परमात्मा देख लिया, तो ये वेष्टि अहंकार जो है वो भगवान के स्वरूप में मिल गया, अक्षरानुभव अगर हो गया तो ज्ञान का अहंकार भी परमात्मा के रूप में हो गया। तो देह दृष्टिया तो दासो हम, आत्म दृष्टिया तो दंश का, अक्षर दृष्टि से अगर देखू ज्ञान दृष्टि से तो मैं तेरा अंश हूं, और वस्तु दृष्टि से अगर देखा तो वस्तुतास्तु त्वमेव अहम् इति मे निश्चयामति, वस्तु दृष्टि से यानी अनन्यता मिली त्वमेव अहम्, मतलब सदगुरु और हम में
कोई अन्य भाव नहीं रहा, तो मैं रहा। तो ये तीन सीढ़ियां जो है वो अनुभव की है। ये विश्वरूप दर्शन होने के बाद जिसमें सेवक भाव आ गया, निर्मल अंतकरण जिसका है उसका देखेगा आपको सेवक भाव, सेवा कर रहा है वो यथाशक्ति, तो अंतकरण निर्मल होते जाता है। जैसा आगे जानता है तो आत्मदृष्ट्या तो रविश कहा, यानी वो जानने लगता है कि भाई मैं ज्ञान क्या कि ज्ञान में कितना भी बड़ा हो गया तो भी संपूर्ण विश्व में जितनी भी विभूतियां हैं, तेजस्वी और ज्ञानी विभूतियां, उन सबको प्रकाशित करने वाले आप है भगवान। तो मैंने जाना ये जो है, मैंने क्षर भाव भी जाना, मैंने परमात्मा को भी जान लिया, लेकिन जब तक जानना है कायम है तब तक अनन्यता नहीं। तो वहां पे समझता है वो अक्षर भाव और पुरुषोत्तम भाव जब ध्यान में आता है, अनुभव में आता है, तो क्या देखता है कि किसने जाना। वही तो यहाँ पे बैठा है बुद्धि रूपेण संस्थित, और वही अधि यज्ञ बैठ के यहाँ से देख रहा है सब। तो ये जो मैंने अक्षर स्वरूप देखा, अक्षर रूप जाना, पुरुषोत्तम को भी जाना, ये सदगुरु की कृपा है, वहां लग ध्यान में आती है। तो ये निर्मल अंतकरण इसको कहते हैं। तो तीनों लेवल पे होना चाहिए। तो पहले जिनको परमात्मा दर्शन होने के बाद निर्मल अंतकरण से सेवा की बुद्धि हो जाती है, वो अनन्यता जल्दी प्राप्त करते हैं। निर्मल अंतकरण की बहुत आवश्यकता। अब ये निर्मल अंतकरण जो है, अनन्यता मिली उसको, वेदों का सारथी मिला। अब भगवान कहते हैं कि ये त्रिपुटी की जानने की प्रक्रिया संपूर्ण हो गई, वेदों का सार भी मिला। अब वस्तु समझाने के लिए तीन भाव, तो स्वरूप भी वस्तु का ही है, विश्व का ही, विश्व वस्तु का ही है। रूप यानी मिठास भी विश्व वस्तु की ही है, नाम भी उसी का। तो अनुभव कैसे आएगा? जब तक हम ये तीनों भाव वस्तु में लय नहीं करते, इसलिए भगवान ने भी आखिरी सत्य अध्याय के आखिरी एक ही वस्तु में जानो, कल्पित भाव तीन, निज रूप लखाने को वेदों ने कल्पना की। और दिव्य दृष्टि ग्रंथ जो है उसमें भी आखिरी भगवान लिखते हैं पद्य में ही, अब तुम मेरे रूप सब राखो दृढ़ यह नेम, त्रिपुटी सहित तीनों रहित लखने वाला एक। ये अनन्यता का दृश्य उन्होंने बतला दिया। तो इसमें करो का भाव नहीं है, बड़े ज्ञान का भाव नहीं है, सेवा और प्रेम का भाव है। तो कम से कम विज्ञानी अगर हम है तो उसमें विश्व प्रेम और विश्व सेवा भाव देखना चाहिए। अब ये समझने की बहुत आवश्यकता है कि विश्व सेवा क्या है। हम क्या कहते हैं कि हाँ हम सेवा ही करते थे, नौकरी करते थे, बहुत प्रामाणिकता से नौकरी की है, विश्व सेवा ही है। जिसे भी प्रोफेशन में हम काम करते थे, और जो समाज कार्यकर्ता होता है, इधर होता है, वो भाई जनता के हित के लिए मैं रात दिन काम कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, तो कहते हैं जन सेवा, यही विश्व सेवा है। लेकिन विज्ञानी जो है
इसको मान्य नहीं करता। वो कहता है कि ये जो जन सेवा वगैरह है, यज्ञ दान तप बड़े बड़े यज्ञ करेंगे, हम दान करेंगे, तप करेंगे, तो जब तप साधन गुण करते लगे सूक्ष्म रूप से वो कर्ता भाव रहता ही है, तो ये जब तक विलीन नहीं होगा सदगुरु सदगुरु स्वरूप, तो तीनों स्तर पे विलीन होना चाहिए, स्वरूप के, रूप के और नाम के भी, क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम के विलीन हो गया। तो वहां क्या दिखेगा, क्या दिखेगा कि मैं अपने समाज की सेवा करता हूं, पक्ष की करता हूं, देश की करता हूं, इससे भी ज्यादा आगे बढ़ गए ज्ञानी लोग तो वो कहते हैं जय जगत, जगत की करता हूं। अरे भाई ये जितने भी है मेरा कुल जाति समाज धर्म संप्रदाय देश, देश में सब है, लेकिन ये सब देश पृथ्वी में, पृथ्वी खंड में है और पृथ्वी विश्व में है, तो विश्व सेवा यानी जब तक हमारा ये कर्ता भाव विश्व वस्तु से समर्पित होकर नहीं करेगा, तब तक वो अपने स्वभाव का प्रकाश जो है अनुभव का वो दिखेगा नहीं, अकर्म रूप से दिखे, बतलाने की जरूरत नहीं, मैं इस वर्ण का हूं और सेवा कर रहा हूं, तो ये सूक्ष्म जो है अहंकार ये जाने के लिए ही, इसका लय होने के लिए ही देखेंगे दिव्य दृष्टि में। दिव्य दृष्टि समझाने के बाद भगवान ने चातुर्वर्ण जो लिखा है उसमें, तो चातुर्वर्ण कब क्यों ज्यादा वहां पे किया, तो उन्हें पता था कि व्यवस्था के संस्कार इतने वर्षों से दीर्घ काल से है कि जाति के कुल के है, तो उसी को वर्ण समझ बैठे है बैठते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये आमचा वर्णाची ही च प्रभु सेवा असमन निश्चय ठेवा सोडा ब्रभु, उपदेश तो ठीक है परंतु सच्चा वैज्ञानिक ये नहीं बोलेगा कि मैं सेवा कर रहा हूं, ऐसा नहीं बोलेगा। तो ये भी जानने के लिए फिर ये नहीं जाता, क्यों नहीं जाता, तो दूसरा प्रकरण है तृष्णाक्षय। क्यों तृष्णाक्षय बोल रहे हैं आप, भगवान गीता परमात्मा दर्शन कराने के बाद भी वही अनंत जन्म से हम पर जो संस्कार है श्रुति के है, लेकिन स्मृति श्रुति और पुराणों के भी है, तो देव आगे तृष्णा भी समाप्त होना चाहिए। तो ये चातुर्वर्ण व्यवस्था का सूक्ष्म अहम जो है वह भी समर्पित होना चाहिए सदगुरु चरणों में, और दूसरा तृष्णाक्षय जो है वो अगर विलीन हो गया तो एक चातुर्वर्ण व्यवस्था की जो वृत्ति है उसको सत्व गुण कहा है, तृष्णा रजोगुण है, काम से होती है, और यज्ञ दान तप व्रत कल्य ये करने का भाव जो है उत्तम गुण निजे लीला न कहो, होता है कि भाई हम विश्व सेवा कर रहे हैं, ये जो वाक्य है ये भ्रमात्मक वाक्य है या नहीं देखना चाहिए, सेवा विश्व सेवा नहीं कर रहे,
हम किसी मंदिर बनवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, भगवान ने बहुत अच्छा लिखा है दिव्य दृष्टि, अरे कीर्ति के लिए तू कर रहा है, तो विश्व सेवा देखने के बाद विश्व भाव जो है वो ये ठीक है कि मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, यहाँ तक हम नहीं जाएंगे, लेकिन पहली स्टेज कौन सी आती है कि मेरा स्वरूप शर विराट है, इसमें तो स्थिर हो जाएगी। तो फिर क्षर विराट में ही भगवान ने छठवें अध्याय में जो दिखाया है अक्षर ओतप्रोत कैसे व्याप्त है, वो अगर अक्षर का दर्शन हो गया, अनुभव हो गया, तो क्या अक्षर गायब भी हो जाता है, उसमें अक्षर का लय हो जाता है। सत्वापत्ति आपने हमें समझाया भाई, उस सत्व पर आपत्ति हो जाती है, कहाँ आपत्ति आती है, अनुभव होने पर अक्षर रूप का, और अब अक्षर का निश्चय अगर हो गया तो फिर भांति और प्रियत्व दोनों भी अ यानी अस्थि रूप के ही भाव है, अस्थि ही परमात्मा, अस्थि ही सद्गुरु का स्वरूप है, अस्थि ही पुरुषोत्तम भाव, ये क्रम क्रम से हो जाएगा। तो ये भगवान ने बहुत अच्छी तरह समझाया है। भगवत गीतोपनिषद की भूमिका देखिए आप, और मैं आप सबसे विनंती करूंगा कि जब हम पद्य पर भी चर्चा करते हैं तो मनन के लिए गीतोपनिषद बहुत आवश्यक है, मनन पूर्ण होने के लिए। तो किसी के पास है कि भगवत गीतोपनिषद भगवान का अभी है? नहीं होगा तो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, इसके मनन की आवश्यकता है। देखिए श्रवण बड़े ध्यान से कीजिए, क्योंकि उस पर मैं प्रश्न पूछने वाला हूं। तो हिंदी गीतोपनिषद में लेटेस्ट एडिशन जो है पेज नंबर 37 क्रमांक पर भूमिका है भगवान की। भगवान लिखते हैं कि परंतु इस यथार्थ ज्ञान के लिए चित्त शुद्ध होने की आवश्यकता और सुवर्ण का कर्म किए बिना चित्त शुद्धि नहीं होती। तो सुवर्ण का कर्म यानी पहले सेवक भाव धारण करना पड़ेगा, फिर ज्ञान का अहंकार जो सूक्ष्म है वो शिथिल हो जाएगा अक्षर अनुभव आने के बाद। तो आत्मदृष्टया चतुर्दश का ध्यान में आ गया कि मैं ईश्वर नहीं हूँ, ईश्वर का अंश हूँ मैं, ईश्वर सर्वसाक्षी सर्वशक्तिमान है, ये प्रत्यक्ष दिखने लगेगा वहां। तो ये चित्त शुद्धि के लक्षण, और सुवर्ण का कर्म किए बिना चित्त शुद्धि नहीं होती। अब भगवान ने यह भी लिखा है कि स्वर्ण का कर्म तो स्वर्ण प्रकाशित तपोलोक में होता है, कहते तो तपोलोक तक जाने के लिए हमें क्रम क्रम की जो सीढ़ियां है त्रिपुटी की उसका अनुभव दृष्टि से तो निश्चय करना होगा। इसलिए भगवान ने भी लिखा है कि क्षर स्वरूप का निश्चय बुद्धि करती है, अक्षर स्वरूप का निश्चय करने के लिए बुद्धि के साथ बुद्धि ग्रहण करती है अक्षर को, और अहंकार निश्चय करता है अक्षर का, यानी बुद्धि का निर्णय स्वीकृत करता है। और अहंकार जब देखता है कि क्षर और अक्षर समझाने के लिए केवल भाव किए थे, सर्वरूप परमात्मा ही है, पुरुषोत्तम ही है, इस समझे भगवान समझा रहे हैं सातवें अध्याय में, और हम अनुभव लेने का प्रयास करते करते उसमें मिल गए यानी वस्तु रूप हो गए। तो यहां तक अगर आ गए एक ही वस्तु में जाना, यानी हमने त्रिपुटी सहित
और त्रिपुटी रही, परिपूर्ण सर्कल जो है अनुभव का वो पूर्ण किया, जो पश्चाति के जाति के और कुल के कर्मों को फलवासना शुभाशुभ फल की प्राप्ति होती है फल से, इस कारण उनसे चित्त शुद्ध होता ही नहीं किंतु मलिन होता है। इस यथार्थ ज्ञान का बोध होने के हेतु अर्जुन के निमित्त मैंने ही श्री कृष्ण स्वरूप द्वारा सब उपनिषदों का सार निकाल कर मनुष्यों के हितार्थ यथार्थ स्वकर्म कौशल्य योग यानी दिव्य चक्षु दिया है। दिव्य चक्षु यानी केवल त्रिपुटी के समझाना यानी दिव्य चक्षु देना नहीं है, स्पष्ट हो रहा है, परंतु मेरी काल रूप गति रुक नहीं सकती, केवल काल क्षर स्वरूप जो है उसमें परिवर्तन होता ही रहता है, काल रूप गति रुक नहीं सकती, युग धर्म का परिवर्तन चक्रवर्त क्रमशः होता ही रहता है, केवल काल महाकाल और अतिकाल इन तीनों को जानने वाले त्रिकालज्ञ पुरुष क्षर भाव केवल काल, अक्षर भाव महाकाल और पुरुषोत्तम भाव अतिकाल, त्रिपुटी को पूर्ण जान लिया हमने और उसका उपदेश भी मैं करने लगा तो त्रिकालज्ञ हो गया। लेकिन भगवान क्या कह रहे, ये त्रिकालज्ञ जो हो गए हैं अतिकाल इन तीनों को जानने वाले त्रिकालज्ञ पुरुष इस काल रूप गति के साक्षी होने से वे भी महरलोक में अर्थात चौथी भूमिका में बैठकर देखा ही करते हैं किंतु निज वर्ण के कर्तव्य में असमर्थ ही होते हैं। वर्ण कर्म करा हम कह देते हैं, भगवान कहते हैं कि चौथी भूमिका तक जो पहुंच गया वह भी वर्ण कर्म करने में असमर्थ ही होता है। क्योंकि वस्तु अनुभव की दृष्टि से त्रिपुटी का ज्ञान हो गया उसे, लेकिन एकदम वर्ण कर्म करने के लिए असमर्थ ही होते हैं। शुभाशुभ वासना वासनात्मक बंधनों से अशेषता छूटकर स्ववर्ण का कर्म यथार्थ समझकर आचरण करने की बुद्धि छठवीं भूमिका में अर्थात तपोलोक में यानी गोलोक में होती है। इसी का नाम स्वधर्म स्वकर्म उपासना ज्ञान भक्ति है। यह भक्ति प्राप्त होने से तुरीयावस्था में यानी सतलोक में जाता है। अब मुझे प्रश्न पड़ता है कि ऐसा क्यों लिखा है भगवान, त्रिपुटी योग हम जान गए, चौथी भूमिका में सब ज्ञान भी आ गए और बतला भी रहे, लेकिन निज वर्ण कर्म में असमर्थ ही होते हैं, ये मेरे ध्यान में नहीं आया। आप में से कोई भी समझाए कि आपके विचार क्या है इस विषय। हाँ जी, असमर्थ इसलिए होता है कि वो शब्द में तो जान गया, बताने भी लग गया, लेकिन उसको अपने वर्ण का पूर्ण प्रकाश नहीं हुआ है। पूर्ण प्रकाश होने पर भी उसकी निष्ठा और समर्पण भाव बनेगा, अन्य भाव अभी अन्य कुछ बचा है, अन्य कुछ बचा है, इसलिए वो जो है उसकी साक्षी अवस्था में बैठकर जो है वो सोचता है कि मेरे को सब ज्ञान हो गया है, लेकिन साक्षी भी द्वैत में है ना, वो जब तक अनन्य भाव नहीं होगा उसका तो के अनुभव से, तब तक वो असमर्थ रहेगा ना। तो अनन्य होने के लिए भगवान ने क्या क्या प्रक्रिया बतलाई है अनन्य होने के लिए? अनन्य भाव से करते मेरी उपासना ऐसे नित्य तो आपको अकर्म रूप से दी, तो अनन्य भाव कैसे होगा? तत्वदर्शी
से समझने पे होगा और अपने अनुभव में भी आना चाहिए ना। तत्वदर्शी का संग करने से हाँ, तो वो त्रिपुट इसे जानने के बाद जानने का लय कैसे होगा, तो तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। इसलिए कहा कि सत्संग में बैठ के तत्वदर्शी से ये पूरी तरह समझकर त्रिपुटी रहित वस्तु के अनुभव में स्थित होने का प्रयास करो। इसलिए मैंने पहले पार्श्वभूमि में प्रास्ताविक में ही स्पष्ट किया कि पहले तो मैं सेवक हूँ, ये भाव स्वामी का भाव नहीं दिखना चाहिए, सेवक। देखिए सेवक भाव कितना है, मैं सेवक सचराचर रूप राशि बन सो अनन्य जा कई ऐसी मति न टर ही हनुमन, मैं सेवक सचराचर रूप राशि बन। तो ये सेवा भाव बहुत कठिन है, लेकिन परमात्मा दर्शन के पास पहली स्टेज है ये होना चाहिए से। फिर दूसरी स्टेज ये अनन्यता यानी चित्त शुद्धि करती है, अंतकरण निर्मल होते जाता है कि सब परमात्मा स्वरूप है दिख रहा, निर्मल होते जाता है, तब आत्मदृष्ट्या तदंश कहा, मैंने सब जान लिया ज्ञान, लेकिन वहां पे साक्षात्कार हो जाता है कि भाई सात ही भूमिका को प्रकाशित करने वाला नारायण है, स्वयं वस्तु पर ब्रह्म है, तो यह अभिमान न हो, यानी परोक्ष ज्ञानी को मैं ब्रह्म हूं शब्दों में ऐसा अभिमान पकड़ लेते आम ब्रह्मास्मि, लेकिन विज्ञान भी शब्दों में ही रहा तो क्या होगा। तो ये अगर दर्शन हो गया पूरा तत्वदर्शी का, तो भगवान देखेंगे कि अभी अवतार तो चले गए अपना कार्य करने के लिए, लेकिन ये भगवान स्वयं अक्षर रूप से विश्व में है, वो तो अक्षर ही प्रकाशित दे रहा है, यानी सात भूमिका के लोग उन्होंने प्रकाशित किए। कोई अभी अभी आए है वो ऋषि है, दूसरे मुनि है, देवर्षि है, ब्रह्मर्षि है, सबके प्रति आदर की भावना रहना चाहिए, और जितना जिनसे मिले एक एक कण कण सबके पास है, भगवान ने दिया हुआ प्रकाश वो इकट्ठा करते जाना चाहिए। ये अक्षर अनुभव मुझे समझा हुआ जो है अनुभव आपके सामने रख। संदर्भ पुरुषोत्तम में सख्य भाव है जो उन्होंने सख्य बतलाया है आत्मदूत और वस्तुतस्तुत्व में बाहर, ये सख्य है, यहाँ पे प्रभु से ही वार्तालाप होता है विश्व रूप सदगुरु से, और फिर आत्मनिवेदन सहजता से हो रहा है। चौथी भूमिका में बैठे हुए ही देखा ही करते हैं, तो आज भी प्रत्यक्ष दिखता है। रामायण के द्वापर युग की बात देखी, द्रोणाचार्य थे, भीष्माचार्य थे, कृपाचार्य थे, सब आचार्य उपस्थित थे, सर्वश्रेष्ठ भीष्माचार्य भी उपस्थित थे, और उनके सामने कुलवधु की विटंबना हो रही है नारी तत्व की, तो भीष्माचार्य तो क्षत्रिय थे बाबा, कहाँ गया उनका वर्ण तेज। देखिए ये समझने की बात है, इसलिए भगवान ने देखा होगा
चौथे चौथे भूमिका में बैठे हुए देखा ही करते, ज्ञान है उनको, लेकिन स्वर्ण कर्म करने में असमर्थ ही है। वही असमर्थता अर्जुन में दिख रही थी, वर्ण शंकर की ओर चला जा रहा था, तो दिव्य दृष्टि से वह मोह दूर हो गया उसका। और केवल शब्दों में नहीं हुआ, निर्मल अंतकरण होने से उसने भगवान के जो शब्द है दिव्य चक्षु के, वो केवल शब्द नहीं पकड़े, अनुभूति पकड़ ली। और कहता है कि नष्टो मोह, द्वैत भाव नष्ट हो गया, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, त्वत् प्रसादान मया च्युत, सद्गुरु का प्रसाद है, स्थितोस्मी यानी उसको कोई हिला नहीं सकता वो अर्ण कर्म से, चाहे भीष्म सामने आ जाए, कर्ण सामने आ जाए या और कोई है। इसलिए इसको धर्म युद्ध कहा है योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण। देखते रहिए द्रोण कृपाचार्य क्या कर रहे थे उस वक्त, तो ये समझना चाहिए कि हम जो बोलते जा रहे हैं तो भगवान के गीतोपनिषद के प्रास्ताविक पे ही उन्होंने जो भूमिका रखी है, कितना समझते हैं। तो खूब आसानी से बोल देते हैं कि बस अब हो गया परमात्मा दर्शन हो गया, अपना वर्ण पहचान के कर्म करो। ये जो हमारी त्रुटियां हमारी गलतियां हो रही है मनन की, वो हमें दुरुस्त करना है। और निर्मल अंतकरण अगर होगा तो बराबर पकड़ लेगा उसको। इसलिए सत्संग है बाबा, सत्संग की महिमा इतनी वर्णन क्यों। यहाँ पे मैं रुकता हूँ, प्रश्नोत्तर चर्चा चलती रहेगी। जैसे आपने इसमें कहा कि मैं सेवक भाव होना चाहिए, लेकिन ये भगवान राम ने जैसे हनुमान जी को मैं सेवक चराचर स्वामी, ये अपना निजमूल स्वरूप और मैं सेवक हूँ ईश्वर परमात्मा मेरा स्वामी, इस दृष्टिकोण से वो बात कही थी। लेकिन वर्तमान में ऐसा दिखता है कि मैं सेवक तो कहता है लेकिन सेवा का दृश्य नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? ये भी तो सूक्ष्म अहंकार है, ये भी तो सूक्ष्म अहंकार है मैं सेवक। तो ये इसलिए वस्तु दर्शन नहीं हुआ है, अनुभव नहीं हुआ है, उसका शब्द बोध है। इसलिए एक वाक्य भगवान का सुक्त जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। शब्द बोध का नाम ज्ञान है, ज्ञान हो गया। वस्तु का प्रत्यक्ष होना विज्ञान है। वस्तु का प्रत्यक्ष होना यानी वस्तु के तीनों भाव सहित और तीनों भाव रहित निश्चय हो जाना, ये वस्तु का प्रत्यक्ष होना है। ये अभ्यास हमें करना है। वस्तु का प्रत्यक्ष होना विज्ञान है, और दोनों से होने वाली स्थिर तृप्ति का नाम आस्तिक्य है। यानी आस्तिक्य में ज्ञान भी पूर्ण रहेगा, ऐसा नहीं है कि ज्ञान छोड़ दो, ज्ञान परिपूर्ण रहेगा, उसके साथ विज्ञान रहेगा। तो ज्ञानम विज्ञान सहितम जोड़ के आ रहे शब्द भगवत गीता में दो तीन बार, सातवें अध्याय में भी ज्ञानम विज्ञान सहितम, और भगवान का संपूर्ण साहित्य जो है वो ज्ञानम विज्ञान सहितम। तो इसलिए बोलना बहुत आसान है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु वंदनम पाद सेवनम कर देते, अर्चनम वंदनम दास्यम, ये दास्य बहुत कठिन है। दास्य यानी गुलामी नहीं है, मैं सेवक का सचराचर रूप राशि,
जब तक भक्तों ने मेरी सेवा करना चाहिए ये भाव रहा, तो इसलिए अवतारों का चरित्र देखना बहुत आवश्यक है। भगवान राम शबरी खोल खिरात इनको गले लगा रहे, उनको अपना रहे हैं, सबको वो सीखना चाहिए कि जो उपदेश कर रहे हैं हनुमान को, उन्होंने उसके पहले उपदेश के पहले प्रत्यक्ष जो है ये दया आचरति श्रेष्ठो करके दिखाया, ये पराभक्ति है। पद के अंत में लिखा देखो सब, दूसरों को भी पूछने दीजिए अभी। डॉक्टर वाणी जी आप पूछ लीजिए जी। भगवान का चरित्र देखिए, हमने वही देखना चाहिए भगवान का चरित्र। सर इसमें मराठी में जो पद्य है अनन्य भक्ति स्वरूप, इसमें भगवान लिखते हैं सदा ही निर्मल भक्ति करा, सब साधने गुण कृत लहरी द्रुपी विसर। इसमें जो ये द्रुपद है प्रथम शीर्षक कहीं नहीं, उसमें भी ऐसा ही लिखा है सदा ही निर्मल भक्ति करा। तो इधर करा लिखा है और हिंदी में गहो लिखा है, तो अब आप विज्ञानी हो गए तो समझ जाएंगे ना उसका अर्थ। करा यानी द्वैत भाव होकर करना नहीं है, उन्होंने अनुभव प्रत्यक्ष दिया पहले और उसके बाद कह रहे हैं, तो इसलिए मद विक्षेप आवरण दूर करने के लिए करने का भाव ही लेना है। तो भगवान कहते हैं कि ये उदात्त भाव धारण करो विश्व सेवा का, ये उसका अर्थ लेना चाहिए। सर जैसे ये भगवान का सूक्त है उसमें ये आया है कि जो वर्ण संकर हैं उनको आत्मानुभूति नहीं हो पाती है, अक्षर अनुभव का लक्ष्य नहीं हो पाता है। फिर जैसे आप जो गीता का है कि मतलब तत्वदर्शियों के अगर सत्संग में लगातार वो रहता है तो क्या मतलब उसी जीवन में वो रूपांतरण आगे का होगा, वस्तु लक्ष्य होगा कि आगे के जीवन में उसका होगा, क्या उसका आगे का विकास रहेगा, थोड़ा इस पर प्रकाश डालें। हाँ, उसी इसी जीवन में भी हो सकता है अगर अंतःकरण निर्मल होगा तो रहा तो। क्योंकि अनंत जन्म से ये जीव का प्रवास है, ये तो नहीं नकार सकते हैं ना हम। तो वो श्रुति स्मृति शास्त्र पुराणों के संस्कार जो है, और सबसे गहरा संस्कार जो है वो व्यवस्था का है, चातुर्वर्ण्य व्यवस्था है। वो ये विज्ञान शब्दों में होने के बाद भी बोलते हैं सिर्फ, लेकिन छूटता नहीं वो भाव। लेकिन निर्मल अंतकरण है वो तत्काल ही लाभ हो तो, इसलिए पहले ही हमने बतला दिया था कि निर्मल भक्ति यानी निर्मल अंतकरण जिसका है उसको अनन्य भक्ति सहज साध्य है, स्वाभाविक। तो निर्मल का मतलब आप समझ गए होंगे कि हमने हमें स्वयं के जो आए हुए हमें जो है उन त्रिगुणों के विकार उसको निकालने की बहुत आवश्यकता। तो निकालने के लिए भगवान ने ये कह रहे हैं कि अब विश्व भाव तो धारण करो,
विश्व भाव धारण करते ही ना कि भाई विश्व में सबका कल्याण है, विश्व के कल्याण में सबका कल्याण है। तो पहली स्टेज विश्व भाव, मेरा स्वरूप ये विश्व है, विराट क्षर विराट ये उदात्त भाव है ना, तो मैं विश्व का सेवक हूं ये भाव आ गया, मैं किसी का गुलाम नहीं। विश्वरूप का सेवक परमात्मा का, तो इसलिए उदयराज जी हमने देखा है ना सत्संग में आए, कई बड़े बड़े ज्ञानी भी आते हैं जी। हेलो जी जी आ रही है, बड़े बड़े ज्ञानी भी आते हैं लेकिन कई महिलाएं भी आती है, बिल्कुल सरल स्वभाव की है, निष्कपट भाव की है, वो अनुभव को पकड़ लेती है, करती है। तो ज्ञानी तर्क वितर्क करके करते बैठता है, तो जिसका अंतकरण निर्मल हुआ वो भगवान कहते कि ये समझ लेना चाहिए कि निर्मल अंतकरण जिसका है उसकी अनंत जन्म की सिद्धि है, समझ समझो कि वो अनपढ़ है और बिल्कुल उसको कुछ ज्ञान नहीं है, वो निर्मल अंतकरण ही उसकी सिद्धि है अनंत जन्म। अनंत जन्माची सिद्धि जाचे गाचे जन्म तो ही दृष्टि प्राप्त होते, आज वो डीजे वो दुर्गा विसर्जन हो रहा है तो उनके घर के पास डीजे बज रहे हैं, तो वो मतलब शोरगुल के कारण जुड़ नहीं पाए अभी जी। राजन जी आप पूछ लीजिए जो पूछना चाह रहे थे। वर्ण शंकर को परमात्मा दर्शन तो हो जाता है लेकिन आत्म साक्षात्कार नहीं होता, उसका क्या कारण? परमात्मा दर्शन हो जाता है, परमात्मा दिख जाता है, कैसे दिखता है वो तो सबको दिख ही रहा है, बस इतना ही दिखता है उसको, लेकिन दर्शन शब्द का अर्थ विज्ञानी लोगों ने समझ लेना चाहिए। दर्शन शब्द का अर्थ अनुभव मूलक पहचान उसकी नहीं होती, ये समझ लेना। दर्शन हो जाता है यानी शब्द बोध हो जाता है, इतना ही उसका अर्थ है। शब्द बोध हो जाता है तो पूरा सिद्धांत बतलाएगा, का जो है बार बार पढ़ते रहेंगे हितोपनिषद के भूमिका की, सर भगवान ने स्वयं लिखी हुई भूमिका में, प्रमोद भगो आखिरी की लाइन जो है, फिर देखो सब दृश्य सुनिज प्रिय मोद प्रमोद भगो, अपना स्वरूप विश्व रूप है ये देखने के बाद कितना आनंद होता है। भगवान ने लिखा है कि आनंद के तीन झटके है, आनंद मोद और प्रमोद, त्रिपुटी है ये,
देखिए विश्व नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णा कृति कितना सौंदर्य है, कितना स्वरूप है, कितना वैभव यानी आभूषण कितने है। देखिए मोद यानी प्रियत्व दिखता है सब विश्व मोद गणेश जी को लड्डू प्रिय है ना मोद आनंद के आगे की सीढ़ी है मोद यानी अक्षर अनुभव है वहीं ही सब में पूर्ण भरा हूँ यही दिखता है। सर्वभूतस्तमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा ये मोद है। और प्रमोद में क्या हो जाएगा, अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणि गणाय भव सर्वरूप मयि हो। यह प्रकट आनंद इसको भगवान कहते हैं कि निजानंद है। चार लाइन का है ये पद, लेकिन उसमें पूरा अनुभव भगवान ने रखा है। केवल पदों को गाना नहीं है। उसका लक्ष्य होना चाहिए शब्दों का, उसका भाव समझ भाव ध्यान में आना चाहिए। स्पष्ट कर सकता हो तो कीजिए। अगर अध्याय आठ का इस पद को विस्तार कह सकते पश्चात बीज भक्ति का आनंद बढ़ने लगे अकर्म रूप से दिख रहे दिखे विश्व में सदैव हुई। इन दो लाइनों का विस्तार ही है स्वकर्म आचरण में सिद्धांत को उतारना, व्यवहार में लाना और निश्चय की अवस्था में स्वरण के कर्म से विश्व रूप की सेवा करना, यही इस पद का सार है ऐसा कह सकते हैं। इस पद का सार है स्वकर्म कौशल्य योग। स्वकर्म कौशल्य योग इसकी सिद्धि भगवद गीता में कैसे की है, भगवान ने भी की है। कैसे की है तो एकदम स्वकर्म कौशल्य योग आ जाएगा क्या? स्वकर्म कौशल्य योग अवतार में दिखता है, लेकिन वो अनुभव देने के बाद वो कहते हैं कि पराभक्ति से यानी अनन्य भक्ति ही स्वकर्माचरण है। तो स्वकर्माचरण जो है वो सिद्धि पहली सिद्धि प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक है। संपूर्ण ज्ञान हो जाने के बाद अनुभव हो जाएगा कौन सी यतम प्रवृत्तिर भूतानां येन सर्वमिदं ततम स्वकर्मणात्म अभ्यर्च सिद्धि विन्दति मानव। जो स्वकर्म से भी स्वरूप परमात्मा की भक्ति करता है, सेवा करता है, स्वकर्मणात्म अभ्यर्च उसको सिद्धि पहली सिद्धि। अब दूसरी सिद्धि जो है वो बतलाइए राजेंद्र जी, और उसके बाद सिद्धि है संसिद्धि है और परम संसिद्धि। ये तीन स्टेजेस रखी है ना, तो सिद्धि ध्यान में आ गई यानी व्यक्ति विकास की परमोच्च स्थिति है। अब संसिद्धि क्या, आप में से कोई भी बतलाइए। अकर्म रूप से दिखे विश्व में सदैव ही, अकर्म रूप से हमें ऐसा दिखने लगे हमें कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ विश्व रूप की सेवा के लिए ही कर रहा हूँ, इस ढंग से हमारा कर्म होने लगे। पहली सिद्धि हो गई। दो
दूसरी सिद्धि, आप विश्व रूप है तो आपकी चार भुजाएं हैं, तो सब सिद्धि की व्याख्या कैसे की है भगवान से रिपीट ने जो ने संसिद्धि श्रे श्रे कर्मण्य भी रहा संसिद्धि लभते न रहा। श्रे श्रे कर्म वो जानेगा ईश्वर का स्वरूप जो है वो चार प्रकार से कार्यरत है। ईश्वर नियत चातुर्वर्ण का रहस्य उसे स्पष्ट हो जाएगा और वो कहेगा कि अपने स्वभाव के अनुकूल ये विश्वरूप की व्यवस्था जो है कर्म की चारों की आवश्यकता है। तो वो क्या कहेगा, देखिए प्रत्यक्ष बतला नहीं सकते लेकिन भगवान ने ब्राह्मण वर्ण जिनका है उनको पहचान कर परिपूर्णता की ओर कैसे जाएंगे ये देखो। क्षत्र वर्ण के हैं उनकी भी आवश्यकता है, तो ये चारों वर्ण का विश्व सेवार्थ कैसे उपयोग कर लेना ये कौशल्य आएगा। यानी पहली व्यक्तिगत सिद्धि है लेकिन दूसरी जो है वो सामष्टिक सिद्धि है जिसको संसिद्धि कहते हैं। सबने एक ही काम करना चाहिए ऐसा नहीं हो नहीं सकता, वो रहस्य जान गए। इसलिए आज बहुत बड़ी एक विश्व में परिषद हो रही है, समझो ये सिद्धांत रखने के लिए हमारे पास कौन सूरवीर है वो चाहिए ना। भगवान ने वैसे रखे थे, संभाले थे उनको बड़े प्रेम से अनुभव देके। ऐसा नहीं है कि भाई हर एक क्लास में जाके मैं ये पढ़ाता हूँ, भगवान कहते थे उनके पास नर रत्न थे, वो कहते कि कानपुर के सम्मेलन में जाना है सदानंद जी आप जाएंगे, हरियाणा में स्वामी स्वराजानंद जी जाएंगे, मैं विज्ञानशाला छोड़ नहीं सकता। देखिए संसिद्धि क्या है, तो बोलिए तमाम शास्त्र में परम संसिद्धि यानी अवतार अनेक जन्म संसिद्धा जो है वो परम संसिद्धि प्राप्त करके प्रकट करता है अन्य अन्य भक्तों के साथ। जी के समय भी हो गया है, उधर राज्य से विनती करता हूँ कि वो समाप्त। तो हम आभारी हैं सर के और मैम के और हमारे विभूति स्वरूप जो जुड़े हुए हैं सभी का इस आज के सत्र में मतलब अभिनंदन करते हुए इसका समाधान करते हैं और अगले सत्र की जो कार्य योजना ग्रुप के माध्यम से प्रेषित कर दी जाएगी। तो पुनः से मैं एक बार सिद्धाचार्य डॉक्टर एस बी चांदीकर सर मैडम का चरण वंदन करते हुए हम आज का सत्र समाप्त करते हैं। सतगुरु भगवान की जय। माता जी को सभी को नमस्कार।